हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ फिजिक एम ऑन फिजिक एम अकेडमी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है? और जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारा जो रिवॉल्यूशन चल रहा है 3 मंथ्स में, कौन से 3 मंथ्स? एक जुलाई, एक अगस्त और सितंबर। जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में हम पूरा जो है 3 मंथ्स में पूरा फिजिक्स, 2 सब्जेक्ट, एक है फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ रहा है फिजिक्स का भी देखे, और जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री, दोनों सब्जेक्ट का पूरा पूरा जैम का पूरा कोर्स हम 3 महीनों में करवाने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था, कमेंट्स में हम टीम पढ़ती है, ठीक है? पूरी टीम जो हमारी फिजिकल अकेडमी की टीम है, पूरी टीम कमेंट्स पढ़ती है सारे। और मेरी वीडियो पे लास्ट टाइम जो कमेंट्स थे, मुझे बताया आई डोंट पेन का कोई इश्यू हुआ था कलर का, तो आई होप कि आप समझ सकते हैं, ठीक है? आप देखो, मैंने वाइट कर लिया है पेन का कलर। वैसे में क्या होता है कि मैंने बताया था वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब के पहली बार वीडियो है, तो स्क्रीन पे जो है वो मुझे एकदम क्लियर दिखता है जो मैं लिखता हूँ, लेकिन जब वो लॉन्च हुआ यूट्यूब पे आया तो उसका जो है थोड़ा ब्लर हो रहा था। तो जो पेन का कलर मैंने चेंज कर लिया, इनफैक्ट मैंने अपने टी शर्ट का भी कलर वाइट ही रख लिया है, ठीक है? फाइन। तो जो है आप टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल जो भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट में ज़रूर ज़रूर लिख दीजिएगा, और जो कुछ भी प्रॉब्लम इशू वगैरह है वो हम जल्दी जल्दी रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको जैसे पता है 3 महीने में पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा कोर्स, ये जैम का कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब डेली लेक्चर्स आएंगे, और वो करवाने वाले हैं। मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स होंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है? और क्वेश्चंस भी वो डेली होंगे, ठीक है? वो जो है टेलीग्राम के ग्रुप में ही क्वेश्चंस भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? थोड़ा आपका सिलेबस जैसे ही चलेगा आपके क्वेश्चंस भी आने शुरू हो जाएंगे। तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज का पहला लेक्चर हम ले चुके हैं, आज हम पीरियडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2 लेने जाने वाले हैं। पहले तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या क्या हम पहले लेक्चर में पढ़े थे। थोड़ा अपना जो आने वाली जो भी है पीना वो पी लीजिए, और या फिर साथ में रख लीजिए, कहीं भी उठ के जाइएगा मत, कनेक्टिविटी को ब्रेक मत होने दीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ। पीरियडिक प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 2, पहला लेक्चर का सारा हम रिवाइंड करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, याद भी करवाने का काम हमारा ही है, कंटेंट भी आपको बेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो लेक्चर नंबर 1 का हम थोड़ा रिविजन करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और सोचिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और सोचिए कि सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, ठीक है? तो अब देखिए, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का लोकेट कैसे करें। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं। 4 क्वांटम नंबर्स में से n, l, m और s, इनमें से n, l और m को जो है स्क्रोडिंजर इक्वेशन के जरिए सॉल्व करके ढूंढा जा सकता है, ठीक है? एक एक इलेक्ट्रॉन का होता है ना, वो एक इक्वेशन होता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, उसको ना सॉल्व करके उस इलेक्ट्रॉन का एन एल और एम का वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। और एस हम क्यों यूज करते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये कोई किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? और ये क्यों यूज करते हैं मैं आज बताऊंगा। हम 2 क्वांटम नंबर भी पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? ये दोनों क्वांटम नंबर हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा क्वांटम नंबर, जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं थोड़ा पिछला लास्ट क्लास का थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि देखो, हमने पढ़ा था न्यूक्लियस का सबसे बाहरी जो हिस्सा, न्यूक्लियस में ना नंबर ऑफ शेल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 शेल तक हम जो है हम ढूंढ चुके हैं, मतलब यानी कि 7 शेल तक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है, उसके आगे फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने की जरूरत पड़ी नहीं है, ठीक है? 114 एलिमेंट्स जो है, 114 एलिमेंट्स जो है, ठीक है, यानी 114 इलेक्ट्रॉन्स तक की स्पीसीज जो है हम इन 7 शेल में हम अरेंज कर चुके हैं। आगे जरूरत पड़ी तो जो है शेल इनफाइनाइट नंबर ऑफ होते हैं, वो तो हमें पता ही है, रियल शेल की भी कहानी हम पढ़े थे, और नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कहाँ तक फिलिंग की है, तो 7 शेल तक फिलिंग हमने की है, 114 एलिमेंट्स को हमने 7 शेल तक हमने उसकी फिलिंग की है। अब आगे
ये एक शेल जो होता है ना, ये वाला एक शेल, उसके अंदर सब शेल होता है, ये हमने पढ़ा था। अब जो ना कितने सब शेल हो सकते हैं, वो हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर से पढ़ा था। अजीमुथल क्वांटम नंबर से हमने ये सीखा था कि कितने नंबर ऑफ सब शेल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि एक शेल के अंदर एक ही सब शेल हो यार, अरे नंबर ऑफ सब शेल हो सकते हैं। वो हमें एल की वैल्यू से, एल से हम डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है 0 से लेके n-1 तक, जो भी वैल्यू होंगी, जितनी वैल्यू होंगी उतने सब शेल होंगे, और एक एक वैल्यू का मतलब अलग अलग है। जैसे कि मान लो n=3 ले लिया, तो ये n=3 शेल, ये तीसरे शेल में अब कितने सब शेल होंगे ना, ये हमें पता चलेगा कैसे, तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे। 0 to n-1 यानी 0 to 3-1 = 2। 0 से 2 कितनी वैल्यूज होती है, एक तो होता है l=0, एक होता है l=1, एक होता है l=2, ये तीन वैल्यूज होती है। यानी एक एक वैल्यू जो है ना, एक एक सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। कितनी वैल्यूज है, 3। यानी यहाँ पे कितने सब शेल होंगे, 3 सब शेल होंगे। कितने होंगे, 3 सब शेल होंगे। अब l=0 वैल्यू जो है वो s सब शेल को रिप्रेजेंट करती है, l=1 वैल्यू जो है वो p सब शेल को रिप्रेजेंट करती है, और l=2 वैल्यू जो है वो d सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। थोड़ी छोटी छोटी बातें आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन ही में हम सिली मिस्टेक करके जो हम अपने मार्क्स गवा देते हैं, ठीक है। जेम में भी पूछा जा सकता नहीं, पूछा जाता है नेट में, गेट में। ये जो आपको फालतू वाली अगर चीज आपको अगर लग रही है ना, इसको फालतू मत समझिएगा, बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। और नोट्स बनाना मत भूलिएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना। ये आपको दिख रहा है ना पूरा, देखो ठीक है, ये सारा मैंने नोट्स बनाया हुआ है, देखिए ये सारा नोट्स है ना अकेडमी से, या फिर जो है बिल्कुल ऑथेंटिकेट, बहुत ही अच्छा वाला नोट्स मैंने ये बनाया हुआ है पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी नोट्स बनाते जाए, आप नोट्स को रिवाइज करना ना इजी हो जाता है। आप ऐसे नोट्स बनाएंगे ना, आप कभी भी रिवाइज करके आप आराम से अपना जो है पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक आपको अगर आप अभी पढ़ रहे हैं ना, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, अगर रिवाइज नहीं किया भूल जाओगे। आपने अपना वक्त भी जाया कर दिया, वक्त भी जो आपने गवा दिया, आपने जो है कि अभी जो टाइम है ना इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपके पास 2 साल है, अगर सेकेंड ईयर में है तो 1 साल है, लेकिन आपको लग रहा है कि 2 साल 1 साल कहाँ निकल जाएगा ना, पता नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ सच में। फिर आखिर में ड्रॉप लेने की नौबत आ जाएगी, और अगर वो भी नहीं ले पाया तो भूल जाओ IIT। अरे यार सपना देखा है ना, तो फिर छोड़ दो बस, मैं बता रहा हूँ, नोट्स बनाना मत भूलना, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा कंसंट्रेट करो और यहाँ पे ध्यान लगाओ, ठीक है। अब बैक टू टॉपिक, वापस आ जाओ। चल अब क्या है कि ये जो है 3 सबशेल हमें मिले, और उनका वैल्यूज भी ऊपर से, कौन 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 सा सबशेल है उसका वैल्यूज के ऊपर से पता चल सकता है। अब देखे ये जो सबशेल जो है ना, यहाँ पे जरा ध्यान दे और यहाँ पे जरा देख गौर से, ये जो सबशेल है, ये सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते, क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसा लोकेट होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ऑर्बिटल्स एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, कितने होंगे वो हमें बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था कि कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो वो हमें क्या करके दिखा रहा है, क्या कहना चाह रहा है। अरे क्या क्या कहेगा, ठीक है, वो तो क्या कहेगा यार, वो इक्वेशन दिखा रहा है हमें कि कैसे होगा। अब देखिए कैसे होता है, तो हमने देख लिया ये जो मैग्नेटिक, बढ़िया अच्छे वाले हैंडराइटिंग तो निकल नहीं रहे यार मेरे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये पहले रिप्रेजेंट स्मॉल m से होता है। अभी कहना क्या चाहे, कहेगा तो क्या यार, ये दिखा ही देगा, पूरा इक्वेशन दिखा देगा पूरा, आपको सॉल्व करके आप देखते रह जाओगे। देखो अब ये बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल्स, यानी मतलब
कितने ऑर्बिटल्स है पहले तो सब शेल के अंदर, और कौन कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, या फिर किसी और ही डायरेक्शन में है, ठीक है। ये सब जो है हमें बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कैसे बताएगा अब देखते हैं, सॉल्व करके बताएगा। देखो इसका वैल्यू माइनस एल टू एल होता है। अब ये क्या हो गया यार, जो शेल जो होता है ना उसका वैल्यू एन में होता है, उसके अंदर अगर हमें सब शेल पढ़ना था तो उसका फॉर्मूला जो हमने देखा था वो था 0 to n-1, ठीक है, और उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते थे। कोई भी एक सब शेल को हम उसका वैल्यू होता था, जैसे कि एस का वैल्यू एल इक्वल्स टू 0 है, पी का जो वैल्यू एल इक्वल्स टू 1 है, ऐसे ही। अब पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ये हम इसका एल का वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक लेंगे। जैसे कि बी का वैल्यू 1 है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम क्या होगा, एम इक्वल्स टू माइनस एल टू प्लस एल, यानी माइनस 1 टू प्लस 1। कितना वैल्यूज होगा देखे, एक होगा एम इक्वल्स टू माइनस 1, एक होगा एम इक्वल्स टू 0 और एक होगा एम इक्वल्स टू प्लस 1। हमें तीन वैल्यू मिल रहे हैं, तीन वैल्यू मिल रही है, कितनी मिल रही है, तीन वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, यानी पी ऑर्बिटल के अंदर भी और तीन, सॉरी पी सबशेल के अंदर भी और तीन ऑर्बिटल्स होंगे। समझ में आया। ऐसे ही अगर हम एस का ले लें तो एस का वैल्यू क्या होता है, एल इक्वल्स टू 0, ठीक है, एस में एल का वैल्यू होता है एल इक्वल्स टू 0, तो माइनस 0 टू प्लस 0, यानी एक ही वैल्यू आती है इसकी 0। कितनी एक वैल्यू आई, यानी एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये अगर बेसिक चीज लग रही है फिर भी समझ लो, क्योंकि यहाँ से ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। अब क्या कंफ्यूज करेगा बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब पहले ये देख लेते हैं कि जैसे कि पी ऑर्बिटल जो है उसके अंदर हमने देखा कि तीन, सॉरी पी सबशेल जो है उसके अंदर हमने देखा कि तीन पी ऑर्बिटल हमें मिले। अब वो तीनों पी ऑर्बिटल्स जो है, तीनों पी ऑर्बिटल, पी सबशेल के अंदर जो तीन पी ऑर्बिटल जो है उनको कैसे नामकरण करेंगे, उनका उनका नाम हम उनकी डायरेक्शन के ऊपर से देंगे। जैसे कि हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों ऑर्बिटल्स जो ऑर्बिटल होते हैं वो कौन सी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है वो भी हमें बताते हैं, तो अब उसका नामकरण उसकी डायरेक्शन के ऊपर से ही होगा। हम ये देखा गया है कि p ऑर्बिटल जो होता है, अब देखो ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ना, ये पूरा हम पढ़ेंगे एटम स्ट्रक्चर में, इसके बाद का टॉपिक होने वाला है, ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दें। ये देखा गया है कि p, तीनों p ऑर्बिटल जो है वो एक x डायरेक्शन में है तो px, एक y डायरेक्शन में देखा गया है तो py, और एक z डायरेक्शन में देखा गया है। ये इक्वेशन सॉल्व करके पता लगा जा सकता है कौन कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो है पी एक्स है, ये ऑर्बिटल है, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, मैं किसी एक ही ऑर्बिटल का, एक ही सबशेल का ऑर्बिटल बता रहा हूँ। अब मान ले यहाँ पे आप डी डी को ले लिया, डी में एल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो एम का क्या होगा, माइनस 2 से प्लस 2 तक कितना वैल्यूज होंगे, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 और 2। एम का कितना, 5 वैल्यू होगा, ठीक है, 5 वैल्यू हुआ, यानी डी ऑर्बिटल, डी सबशेल में कितने 5 ऑर्बिटल्स है। अब सबका डायरेक्शन अलग अलग, ठीक है, ऐसे ही उसको भी किया जा सकता है। डी जब 5 ऑर्बिटल्स है उसमें मैं वो भी बता देता हूँ, एक तो डी एक्स वाई होता है, एक डी वाई जेड होता है, एक डी जेड एक्स होता है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका नामकरण किया जाता है उनकी डायरेक्शन के हिसाब से, जिस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड होते हैं ऑर्बिटल्स का, उसी डायरेक्शन को लगा के उस ऑर्बिटल का नाम बोला जाता है। जैसे कि डी ऑर्बिटल, डी सबशेल के अंदर ये जो डी एक्स वाई जो है ये उसका ऑर्बिटल है। अब यहीं पे आम लैंग्वेज में लोग क्या करते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है ना, पी एक्स जो है ना ये ऑर्बिटल है और पी जो है वो सबशेल है, कभी कभी ऐसे बोलते हैं पी सब, पी सबशेल को पी ऑर्बिटल बोल देते हैं।
नॉर्मल लैंग्वेज में हम सबशेल को भी यहाँ पे या ना पी ऑर्बिटल ही बोल देते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और यहाँ पे ना वो एग्जामिनर जो है, मतलब जो पेपर निकाल रहे, इसी का फायदा उठाते हैं। इसमें एक चीज आपने को ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में जब भी एक बात सोच ले, शेल जो होता है ना, हमने देखा था शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल होते हैं। सबशेल के अंदर अब हमने देखा कि ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखें ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। अब यहां से ही हम जो है स्पिन क्वांटम नंबर की ओर चलेंगे, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन में आपको करवाता हूं। क्वेश्चन में क्या है कि 3D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अब देखिए जरा ध्यान दे, यहां पर इसने क्या कहा है, 3D ऑर्बिटल। अब आप सोच रहे होंगे भाई डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है, वो पांचों का नाम उनकी डायरेक्शन के हिसाब से है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ 3D ऑर्बिटल बोला है। यानी वो कहना क्या चाहता है पता है, कि डी सबशेल का कोई भी ऑर्बिटल, यहाँ पे उसने 3D सबशेल नहीं बोला है, यहाँ पे सबशेल नहीं लिखा है, यहाँ पे ऑर्बिटल लिखा है, और ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब जिसने ये नहीं समझा होगा वो क्या करेगा, ए भाई 3D ऑर्बिटल बोला है। अब देखे वो ऑर्बिटल पे ध्यान नहीं देगा, वो बोलेगा 3D है ना तो सबशेल ही होगा। अब इसको वो सबशेल मान के चलेगा, फिर क्या सोचेगा 3D सबशेल में कितने होंगे, चलो देखते हैं। हाँ फिर हिसाब लगा के देखेगा 5 होंगे। अरे यार 5 तो ऑर्बिटल होंगे और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन 3D में होंगे। अब वो आंसर करेगा 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो उसने तो सबशेल सोचा है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने होते हैं 5 होते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 × 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स, वो लिख के आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, उसका हो जाएगा गलत। पूछा क्या है, ऑर्बिटल पूछा है, कोई भी ऑर्बिटल ले ले, ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल ले ले, बोला नहीं है कौन सी डायरेक्शन वाला, कोई भी ऑर्बिटल ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो गलतियां होती है, उस पर थोड़ा ध्यान दे आप, और ये गलतियां हमें नहीं करनी एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे। सबसे पहले एक सवाल पूछिए, हम क्वांटम नंबर पढ़ते क्यों है भाई? ये पढ़ते इसीलिए है कि हमें ये क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताता है। कितने इलेक्ट्रॉन? अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताता है। अब हमने क्या पढ़ा, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, अब उसमें से दोनों को एक दूसरे से अलग करना है, तो कुछ तो अलग अलग नाम देना पड़ेगा। अब तो ऑर्बिटल के अंदर आ गए भाई, अब क्या करें? तो यहाँ पे आया स्पिन क्वांटम नंबर, यहाँ पे आ गया स्पिन क्वांटम नंबर, आके बोला भाई तुम टेंशन ना लो, मैं अभी खड़ा हूं या फिर बैठा हूं, जो भी पोजिशन में हो, लेकिन मैं हूं अभी और मैं कर दूंगा इसको सॉल्व। बोला कैसे? बोले कि दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग, असल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना एक ऑर्बिटल में, वो दोनों पैर होते हैं। एक का स्पिन मान लो ऐसे होता है ना, दूसरे का स्पिन उससे ऑपोजिट होता है, तो हमने दोनों को स्पिन के बेसिस पे दोनों को अलग अलग कर दिया, ताकि एक इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिटी अलग हो जाए, दूसरे इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिटी अलग हो जाए, दोनों का फिंगरप्रिंट अलग हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे स्पिन में है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे स्पिन में है, दोनों को हमने अलग कर दिया, इसके स्पिन का नाम हमने दे दिया
प्लस हाफ, और इसके स्पिन का नाम हमने दे दिया माइनस हाफ। कोई ज्यादा बड़ा सा ऐसा लॉजिक नहीं है, ठीक है, लॉजिक ज्यादा मत दिमाग के घोड़े मत दौड़ाएगा, ठीक है। इसी तरह से है, एक को डिस्टिंग्विश करने के लिए प्लस हाफ स्पिन दे दिया, दूसरे को क्योंकि उसका ऑपोजिट स्पिन होता है तो माइनस हाफ स्पिन दे दिया, ठीक है। अब इसमें और भी डिटेल में जानना हो तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जानना होता है। असल में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है ना, उसके अंदर भी ये पूरा उसका स्पिन का सारा पढ़ा जाता है, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर होता है, वो आप अलग से पढ़ लेना। अभी हम यहाँ पे पीरियडिक प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, ठीक है, बेसिक आइडिया आपका डेवलप कर रहा हूँ। अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, उसका अगर चार क्वांटम नंबर पता चल जाएंगे ना, तो हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर लेंगे। कोई भी एक क्वांटम नंबर पता ना होने से पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का लोकेशन नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल देख लिया, अगर हमें एन पता है, एल पता है, एम पता है, एन जो है उसके अंदर, एल जो है उसके अंदर, एम जो है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बताओ। अब दो इलेक्ट्रॉन आ गए, हमें तो एक ही जानना है, अब दो दो में से कैसे पता करेंगे भाई हमारा वाला कौन सा है, तो इसको हमने अलग अलग स्पिन स्पिन दे दिया, ठीक है, अलग अलग स्पिन से दोनों को रिप्रेजेंट करके दोनों को अलग अलग कर दिया, ये हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। ज्यादा इसमें कोई बड़ा सा ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, चारों क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिया, अब जो है आप ये देख ले, जब क्वेश्चंस कराएंगे ना, क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है, कभी भी n जो है ना, l जो है ना, वो n से बड़ा नहीं हो सकता, और l से बड़ा m नहीं हो सकता, ठीक है, ये खास ध्यान रखना। और s तो हमें बताइए, प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, वो सारा जो है मामला पूरा अलग है, ठीक है, उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। वो ऐसा नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, इसको बोलो तू भाई तू प्लस हाफ में ही रह जा, और तू बोलो तू माइनस हाफ में ही रह जा, ठीक है, हम इसको भी प्लस हाफ बोल सकते हैं, इसको भी माइनस हाफ बोल सकते हैं। हमने ये क्यों किया, दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, दोनों को स्पिन को उसके हिसाब से, ये दोनों का स्पिन का वैल्यू ऑपोजिट है, इससे हम यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों ऑपोजिट स्पिन कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों को अलग करने के लिए दोनों को अलग अलग वैल्यू दे दिया, बस। अब इलेक्ट्रॉन कोई भी ले लो, चारों क्वांटम नंबर पता होने से कोई भी इलेक्ट्रॉन का लोकेशन हम जान सकते हैं। मान लो कि हमें कोई फुला फुला इलेक्ट्रॉन का लोकेशन हमें जानना है, तो उसके बारे में चारों क्वांटम नंबर की डिटेल्स ले लो, फिर ठीक है उसका जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमने लोकेशन तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल कैसे होते हैं। अब फिल जो होते हैं वो उसके लिए ऑफ बाउ प्रिंसिपल एक दिया गया है। कौन सा प्रिंसिपल है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल दिया गया है। जो एटम जो है, मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिल कैसे करेंगे, हम उन इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिटल्स में हम फिल कैसे करेंगे, वो फिलिंग जो है वो हमें ये प्रिंसिपल सिखाएगा। कौन सा है? ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें ये उसका फिलिंग सिखाने वाला है कि कैसे उसको हम उसके अंदर भरेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, देखिए कैसे फिल करेंगे। उसने ना अपना जो प्रिंसिपल है दो डायरेक्शन में डिवाइड किया है, दो स्पीसीज के लिए डिवाइड किया है। एक तो हो गई वो जो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और एक हो गई मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दोनों के लिए फिलिंग अलग अलग होती है, ठीक है, ये खास ध्यान रखना। इसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, हाथ रुक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करवाता हूँ, गेट ने इसमें से क्वेश्चन पूछा है, ये फालतू की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, कंटेंट बढ़िया वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ, ताकि क्या है कि आपका जो मार्क्स कहीं पे ना जाए। बेवकूफ बना के जो आपके पास मार्क्स ले जाते हैं ना, ये हमें जाने नहीं देना है, ठीक है। गेट में इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, कितना बढ़िया वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमने देखा केम में, शायद वो क्वेश्चन आया था, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको पता नहीं होगा वो क्या क्या करने लगेगा। अरे पे ऑर्बिटल बोल दिया यार, कोई भी ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल बोला है दो इलेक्ट्रॉन,
इनफ ओवर फिनिश हो गया खत्म। चले अब ऐसे ही यहाँ भी एक बड़ी वाली बात है, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसका मतलब सिर्फ हाइड्रोजन नहीं आता, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोला है, एच ई प्लस भी आता है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते एक निकाल दिया प्लस चार्ज ले लिया, लिथियम में से दो निकाल दिए वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, बेरिलियम में से तीन निकाल दिए या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ये सारे होते हैं वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी उसके एटम के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये दोनों को अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई, ये हमें केमिकल बॉन्डिंग में पता चलेगा कि ये क्यों अलग अलग पढ़ने की जरूरत पड़ी है। देखिए ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है इसके अंदर जो फिलिंग होती है ना वो एनर्जी के सब में, दोनों में फिलिंग जो होती है एनर्जी के हिसाब से होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा, जहां पे उसकी एनर्जी लो होगी, यानी कि जहां पे उसको न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम जो है अट्रैक्शन मिले, ठीक है वो उसका मोस्ट स्टेबल होगा, उसका एनर्जी वहां पे लो होगा, लो एनर्जी में वो जाना पसंद करेगा और ऐसे वो शादी कर लेगा। ठीक है तो देखिए यहाँ पे एनर्जी लेवल बनाते हैं, एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ेगा अट्रैक्शन कम होगा एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला शेल सबसे करीब होगा, इस तरह से कर देंगे, ये हो गया वन। अब दूसरा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है एक सेकेंड इसको ना इरेज कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पे लिखते हैं, ये एन इक्वल्स टू वन हो गया। पहला शेल इसके अंदर कितने सब शेल होते हैं अब मैं कैलकुलेट कर लेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक होगा वो कौन सा होगा, वन एस होगा, एस सब शेल होगा और एस के अंदर तो कोई सब शेल नहीं होता, एक ही ऑर्बिटल होता है, वो खुद होता है एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है अब हम एन इक्वल्स टू टू पे आते हैं, एन इक्वल्स टू टू में कितने सब शेल होंगे, तो जीरो टू वन, जीरो और वन दो वैल्यू आएगी, दो सब शेल होंगे। ठीक है दोनों सब शेल जो है वो एक ही एनर्जी में होंगे, एक होगा 2s और एक होगा 2p, वो हमें पता लग गया है, हमने देख लिया है कि कैसे कैसे उनका वैल्यू होता है। ठीक है l इक्वल्स टू जीरो यानी 2s और l इक्वल्स टू वन यानी 2p, ठीक है और शेल कौन सा है, टू है यानी इसलिए टू लग रहा है। ठीक है आगे n इक्वल्स टू थ्री में जाते हैं, n इक्वल्स टू थ्री में कितने होते हैं, तीन सब शेल होते हैं, 3s 3p 3d, ये थोड़ा लाइन क्रॉस जा रहा है डोंट माइंड, एनर्जी एक ही लेवल है, एनर्जी का लेवल तीनों का एनर्जी सेम है, एक ही लाइन में है तीनों, एक ही एनर्जी लेवल में। तो यहाँ पे आपने देखा वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये एक शेल के जितने भी सब शेल होंगे सारे एक ही एनर्जी लेवल में है और n इक्वल्स टू टू एक ही एनर्जी लेवल, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होता है कि n इक्वल्स टू वन ले लो, यहाँ पे n प्लस l रूल फॉलो होता है, यहाँ पे इस तरह से हम नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, यह मल्टी इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो अपना एनर्जी जो है वो खो देते हैं, मतलब एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से जो है ये है जैसे कि यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है तो यहाँ पे कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है ये सब हम बॉन्डिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आने वाला मैं ही पढ़ाने वाला हूँ बॉन्डिंग आपको, वो मैं आपको कनेक्ट करके पढ़ा दूंगा वहां पे कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन अभी यहाँ पे जरा सोच ले, यहाँ पे ध्यान दे दे, यहाँ पे जो है एक ही एनर्जी में है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ये जो है इनका एनर्जी सेम नहीं रहता, ये स्प्लिट हो जाता है, एक बढ़िया ज्यादा एनर्जी में चला जाता है, एक कम एनर्जी में चला जाता है। अब ज्यादा एनर्जी कम एनर्जी तो उनको अरेंज भी उसी तरह से करने पड़ेगा, तो वो जो है वो n प्लस l रूल से पता लगाया जा सकता है। n प्लस l रूल में क्या होता है कि n जो भी हमें शेल है वो n होगा और जो भी सब शेल की बात हो रही वो l होगा, दोनों को एडिशन, दोनों की वैल्यूज का एडिशन करके जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा n प्लस रूल का वैल्यू। ठीक है मान लो कि 3p गिवन है तो इसका n और 3s गिवन है,
1s³ है और 2s³ है, ये चारों दिए गए हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, 2, n का वैल्यू 2 है, s का वैल्यू 0 है, 2 प्लस 0 2। यहाँ क्या होगा, 1, n का वैल्यू 1 है और s का वैल्यू 0 है, 1 प्लस 0 1। यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 0 3। यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस p का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी 4। अब देखिए n प्लस l का जो वैल्यू है उसको अरेंज करेंगे, सबसे नीचे तो कम एनर्जी वाला आएगा, तो 1 वाला आएगा कौन है, 1s। फिर आएगा ये 2s, फिर आएगा 3s। इसके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं एनर्जी ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ। ये हमने चार, ये जो चार ऑर्बिटल्स को अगर हमें अरेंज करना है एनर्जी में तो कैसे करेंगे, और उसके ऊपर आएगा 3p। क्यों, क्योंकि इसका एनर्जी, इसका एन प्लस वन का एडिशन 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है। अब मान ले अगर एन प्लस एल रूल में अगर जो है n1 प्लस l1 ये एडिशन किया, ये n2 प्लस l2 किसी और का भी, दोनों का वैल्यू सेम हो गया, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में मान लो कि n1 जो है वो छोटा है n2 से, तो एनर्जी में भी n1 प्लस l1 जो है वो छोटी होगी n2 प्लस l2 वाले से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया 3s और 2p, इसका वैल्यू निकालो 3 प्लस 0 3, इसका वैल्यू आएगा 2 प्लस 1 3, दोनों का वैल्यू सेम आ गया n प्लस l का, लेकिन इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, यानी इसका इसका जो एनर्जी होगा 2p वाला एनर्जी होगा जो होगा कम होगा, यानी ये नीचे आएगा और 3s ऊपर आएगा। ये मैं सिर्फ इन्हीं ऑर्बिटल्स को अरेंज करके बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि ये मैं पूरा बता रहा हूँ। ऐसे ही बिल्कुल फिलिंग की जाती है, तो जो फर्स्ट शेल जो है उसमें तो एक ही होता है ऑर्बिटल, सेकेंड शेल जो होता है उसमें दो, सॉरी एक ही सब शेल होता है, सेकेंड शेल में दो सब शेल होते हैं, थर्ड शेल में तीन सब शेल होते हैं, तो उनका एनर्जी जो है वो एन प्लस एल रूल के हिसाब से निकाला जा सकता है। ये जो है वो एनर्जी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो क्यों होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, वो हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग में। अब यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, उसने क्या पूछा कि बताओ लिथियम प्लस 3, क्या पूछा, लिथियम प्लस 3 2, लिथियम प्लस 2 इसके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, कौन से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सबशेल नहीं पूछा, ऑर्बिटल्स पूछा। अब देखें ये क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी हो गया, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसका अरेंजमेंट ऑर्डर कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का, फिलिंग 1s, सॉरी n इक्वल्स टू 1 होगा, फिर n इक्वल्स टू 2 होगा और n इक्वल्स टू 3 होगा। 2 में कितने होंगे, 2 होंगे, 3 में कितने होंगे, 3 होंगे, ये 1s होगा, ये 2s और 2p होगा, ये 3s, 3p और 3d होगा, ये होगा सब शेल। तीसरे में कितने सब शेल है, 3 सब शेल है, ये वाले सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 ऑर्बिटल है, ये वाले सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, और ये वाले सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। समझ में आ गया, अब टोटल करो कितने ऑर्बिटल है, ये फॉर्मूला से पता लगा लेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला से हमने, मैं बताया अभी पिछली बार आपको, मतलब लास्ट स्लाइड में, तो फॉर्मूला से पता लग जाएगा कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो ये टोटल करो कितने हो गए, 9। अब अगर किसी ने ये नहीं देखा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, उसने अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी का कंसेप्ट लगाया तो कैसे लगेगा, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो सबसे लोअर जो होता है 1s ऑर्बिटल का होता है, फिर जो होता है 2s का होता है, फिर जो होता है 2p का होता है। यहाँ पे 2s और 2p का सेम एनर्जी में था, यहाँ पे देखो एनर्जी लेवल अलग अलग हो गया, फिर जो होता है वो 3s का होता है,
फिर होता है 3P का होता है, उसके बाद होता है 4S, उसके बाद होता है 3D। आप चाहे तो एम प्लस एल रूल के रूल लगा के देख लीजिएगा, ठीक है, कि ये जो है पूरा ऑर्डर इसी तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। एम प्लस एल रूल लगा के देख लीजिएगा, एनर्जी का ऑर्डर इसी ऑर्डर में मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये थर्ड शेल की कहानी चल रही थी, बीच में फोर्थ शेल कहाँ से आ गया? तो ये एन प्लस एल रूल से ही पता लगाया जा सकता है। इसकी दोनों की एन प्लस एल रूल का हिसाब देखो, 3D 3 प्लस 2 5 आएगा वैल्यू, 4s का सॉरी 3 प्लस 0 और 1 और 2, ठीक है। 4s का देखो, 4 प्लस 0 इसका 4 आ गया, देखा। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये कम वैल्यू हो गई, तो 3D से पहले आ गया। अब आप सोच रहे होंगे यार थर्ड का जो शेल है उसके बीच में यार फोर्थ शेल आ गया, तो ये बॉन्डिंग में पड़ेंगे। बॉन्डिंग में बताऊंगा मैं आपको कि ये कैसे होता है, इसलिए बता रहा हूँ, कंटेंट बढ़िया वाला लाया हूँ, कनेक्ट कर करके पढ़ाऊंगा, आप पढ़ते रहे हमारे साथ, सीखते रहे, कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये जो ऑर्डर है पूरा इसी तरह से रहेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापिस से, यहाँ पे हमने देखा था ना, देखो यहाँ पे थर्ड शेल में तीनों ऑर्बिटल, तीनों सब शेल एक ही ऑर्डर में है, और यहाँ पे तीनों सब शेल जो है अलग अलग हो गए, बीच में फोर्थ का भी सब शेल आ गया। क्या यार ये क्या चल रहा है? तो ये सारा एनर्जी का मामला है, और एनर्जी का मामला हम एन प्लस एल रूल से पता लगा रहे हैं, एक फॉर्मूला हमें दिया गया है, फिर भी हमें एनर्जी के कंसेप्ट से अगर जाना है तो वो हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा बॉन्डिंग में, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, क्या बोला है, एक सेकंड ना, सॉरी सेकंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है, जो होता है ग्राउंड, ये जो एन इक्वल्स टू वन जो होता है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पे आएगा, उसका फिलिंग यहाँ पे करेंगे। अब इसका ये जो होगा वो होगा ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, और ये उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये उसका हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और इसमें हमने देखा कि नौ ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे देखें, ये उसका यहाँ पे लिथियम प्लस टू यानी एक इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन उसको दिमाग में हमें नहीं आया अगर कि इसमें जो है वो बोहर स्पीसीज वाला अरेंजमेंट लगेगा, और हमने लगा लिया ये वाला, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर दिया, वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर हमने ऐसे गलती की तो यहाँ पे हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये वाला सबशेल मिलेगा, और ये वाले सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही सबशेल मिलेगा, और ये वाले सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा, तो जो गलत हो जाएगा, आ कितना रहा है 9। ऐसी गलतियां मत कीजिएगा, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये वाला मॉडल लगेगा, और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एन प्लस एल रूल जो एनर्जी के ऊपर से डिराइव किया गया है ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। ऐसे हो गई इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब फिलिंग करते करते एक और चीज का ध्यान रखना है, जिसे हुम्स ने बोला है, हुम्स मल्टीप्लिसिटी रूल, मल्टीप्लिसिटी रूल। अब ये जो है ना, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है। अब ये क्या आ गया सारा, तो ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, असल में क्या होता है, ये हमें बताता है डी जनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के बारे में, और इक्वली ऑक्यूपाइंग के बारे में। कोई भी ऑर्बिटल के अंदर हम अगर मान लो कि पी और बी सब शेल है, पी सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होंगे, तीनों ऑर्बिटल्स जो है उसको हम किस तरह से भरेंगे, तो पहले तीनों ऑर्बिटल्स जो है तीनों एक ही एनर्जी में है, ठीक है। सब शेल जो है उसका एनर्जी लेवल अलग अलग हो, लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी लेवल सेम रहता है। अब ये जो मान लो पी ऑर्बिटल है, इसके अंदर तीनों एनर्जी ये है सेम एनर्जी लेवल में है, कौन से सेम एनर्जी लेवल में है, तो सेम एनर्जी लेवल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब मान लो पहले आपने एस ले लिया, एस के अंदर बस एक ही डब्बा है, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो भाई एक पहले सीधा आ गया, एक उल्टा आ गया। पी के अंदर तो तीन तीन ऑर्बिटल है, तीनों सेम एनर्जी में है, अब इसमें कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो पहले तीनों तीनों ऑर्बिटल में एक स्पिन वाले
इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर पेयरिंग होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स अगर है, सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स अगर है, तो इसका एनर्जी स्टेट मैक्सिमम हो जाता है। क्योंकि अगर वो पेयर हुआ तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए हुंस ने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल निकाला है कि जितने भी, मान लो कि डी डी सबशेल ले लिया, तो डी के अंदर पांच ऑर्बिटल्स होंगे, तो पांचों में पहले एक-एक ऐसे सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स जो है भरे जाएंगे, सेम स्पिन में भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेयरिंग होगी। अब सेम स्पिन में अगर भरे गए, देखे यहाँ पे मान ले कि सेम स्पिन में अगर भरे गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पिन होता है इनका, जो स्पिन होता है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उनको काउंट कैसे किया जा सकता है? 2s+1 एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? 2s+1। ये वाला फॉर्मूला जो है ये यहाँ पे लगने वाला है कि अगर देखो, ये सारा जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एक ही स्पिन में क्यों भरेंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्यों, ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा ऐसा कर लिया, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, फिर ये उल्टा, फिर ये उल्टा, ऐसा भी हो सकता था ना। सारे के सारे एक ही डायरेक्शन के स्पिन में है, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन सारे के सारे एक डायरेक्शन में नहीं है। ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये जो है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसमें नहीं आती। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन में होने चाहिए। सारे प्लस हाफ तो सारे प्लस हाफ, सारे माइनस हाफ सारे माइनस हाफ, कुछ भी बोल दो, लेकिन एक प्लस हाफ हो गया, एक माइनस हाफ हो गया, एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ, एक माइनस हाफ, इससे क्या है कि वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये भी सीख लिए कि पहले जो है सिंगली ऑक्यूपाइड, उसके बाद पेयरिंग करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इससे क्या होता है पता है? इससे जो है हमें पता चलता है, देखिए मान ले कि पी ऑर्बिटल है, तीनों में पहले एक एक भरे गए, इसका स्पिन क्या है? प्लस हाफ। इसका है प्लस हाफ, इसका है प्लस हाफ, तीनों को ऐड करें, ये हो जाएगा s, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तीनों को ऐड करेंगे, क्या क्या मिलेगा वैल्यू? प्लस 3/2, ये हो गया s का वैल्यू। अब 2s+1, ये जो है ना, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है। क्या बोला? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब यहां पे क्या वैल्यू आया एस का? 3/2 + 1, क्या वैल्यू आएगा? 4, ठीक है। ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही वो स्टेबल होगा, इसीलिए उनको ऐसे अरेंज किया जाए कि उनका स्पिन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आ जाए। मैक्सिमम तभी होगा जब भी सारे के सारे एक ही स्पिन में अरेंज होंगे, या तो सारे प्लस हाफ में हो जाए, या तो सारे माइनस हाफ में हो जाए। यहाँ पे प्लस और माइनस ज्यादा या कम होने को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ साइन कन्वेंशन है कि दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। इस तरह से जो है उसको डिनोट किया जा सकता है। अगर सभी के सभी, अगर ऐसा हो गया, आप देखिए अगले में देखिए, पी ऑर्बिटल है, उसके अंदर अगर ऐसा भरा, ऐसा, इसका हो गया प्लस हाफ, इसका हो गया माइनस हाफ, इसका हो गया प्लस हाफ, ऐड कीजिए तीनों को, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ये प्लस हाफ माइनस हाफ कट, वैल्यू क्या आई? 1/2। ये किसकी वैल्यू आई? एस की। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2s+1, क्या होगा? 2 × 1/2 + 1। अब उसी का वैल्यू अब क्या आ गया? 2 आ गया। कहाँ 4 था? 4 से लेके 2 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको सही से अरेंज नहीं किया। इलेक्ट्रॉन समझदार है, वो अपने को उसी तरह से अरेंज करते हैं जिसमें वो मैक्सिमम स्टेबल हो, लेकिन हमें समझना है कि
ठीक है, हमें ये समझना है कि हम कहीं सॉल्व करते करते गलत ना चले जाए, क्योंकि ये जो स्पिन का जो अरेंजमेंट है ना, उसकी वजह से अगर हमने कहीं पे कंसेप्ट गलत लगा दिया, हमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग सीखना है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही फिल करेंगे जिसमें उनका मल्टीप्लिसिटी जो है वो मैक्सिमम मिल रहा हो। मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कब मिलेगा? या तो सभी एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, या एक ही डायरेक्शन में होगा तभी मैक्सिमम मिलेगा। या तो सभी ऊपर हो या तो सभी नीचे हो, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब समझ में आ गया? इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, वो आपको पूछ लेगा कि बताइए पी ऑर्बिटल में भरने वाला कौन सा सबसे लोएस्ट एनर्जी में होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये कभी भी ऐसे स्टेट में नहीं आएगा, ये ऐसे स्टेट में आएगा, अगर उसको एनर्जी मिल गई तो वो ऐसे स्टेट में भी आ जाएगा, लेकिन ये उसका ग्राउंड स्टेट नहीं होगा, उसमें वो स्टेबल नहीं होगा, ये उसका एक्साइटेड स्टेट होगा जहां पे वो स्पिन को उल्टा कर लिया है। ठीक है, जहां पे उसका स्पिन है वो उल्टा हो गया है और वो एक उसका एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा जिसमें स्पिन इन्वर्जन हुआ है। स्पिन इन्वर्जन होता है, ये हम ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो आपको बोल देगा कि पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उसका उसमें से सबसे जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है वो कौन सा होगा, बोल देगा, और आपको इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दे देगा। बताए तो तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तीनों एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों उसके ग्राउंड स्टेट होंगे, कोई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड स्टेट एक ही है, उसको सारे के सारे ऊपर रखो या सारे के सारे को नीचे रखो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों उसके ग्राउंड स्टेट नहीं होंगे, ये दोनों होंगे उसके एक्साइटेड स्टेट होंगे। कौन से होंगे? उसका थोड़ा एनर्जी मिलेगा, उसका स्पिन इन्वर्जन हो जाएगा, स्पिन इन्वर्जन हो जाएगा, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, फिर एनर्जी रिलीज करके वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। आप ये ले ले या ये ले ले, दोनों ही उसका ग्राउंड स्टेट, कोई भी आप ले ले, कोई भी इन्वर्जन, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, वही उसका ग्राउंड स्टेट होगा। बाकी के स्पिन जिसके उल्टे है, अलग अलग स्पिन वाले है, ठीक है, ये अलग अलग स्पिन वाला है, ठीक है, ये उसका ग्राउंड स्टेट नहीं, उसका एक्साइटेड स्टेट होने वाला है। तो आज हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी कैसे की जा सकती है। कल हम आने वाले लेक्चर में, जो हमारा कल लेक्चर होगा, उसमें हम स्पिन जो है उसको उसका कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखेंगे और अपना जो मेन टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप सो आप सबका कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा, इसको फालतू या गलत में मत समझिएगा, यहाँ पे सिली सिली मिस्टेक्स होती है। आपको मान लो कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर मैं बताऊं उसमें से कोई ऐसी सिली मिस्टेक जो आप कर रहे हो और वो क्लियर हो रही है तो फायदा आप ही कर, इसलिए आप इसका टेंशन ना लो। सिलेबस हमें कवर करना है, हम कंप्लीट करेंगे 3 महीने, कुछ भी सोचे बिना आप बस हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन हम करवा देंगे। अगर आपको आ रहा है फिर भी देखे आपका रिवाइज हो जाएगा, कुछ अगर ऐसा हो कि उसमें से कुछ आपको ना पता हो, ऐसी चीज आपको पता लग गई, क्योंकि कंटेंट बेस्ट वाला लाएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पेन का कलर भी चेंज कर दिया है, आप आई होप सो अब आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप सो आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, और रिवीजन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, कोई भी आपको चीज़ अगर गल आपको दिक्कत आ रही है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, हमारा टीम जो है वो रख देगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे, आपको वहां पे जो है क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स आएंगे, क्वेश्चंस भी थोड़ा आपका कंटेंट हो जाए, फिर क्वेश्चंस भी आने शुरू हो जाएंगे। बाकी तो मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करवा ही रहा हूँ, ठीक। आई होप सो आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छे से पढ़िएगा, रिविजन भी कीजिएगा, ठीक से सारा रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाना मत भूलिएगा, ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, और टेक केयर।